ईवे बिल की आड़ में जीएसटी चुराने वालों पर नकेल कसने जा रही है। इसको लेकर एक ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड बेस्ड सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिससे टैक्स चोर पकड़े जाएंगे। ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, सबसे पहले बताइए कि ये टैक्स चोरी करने चोरी रोकने के लिए, जो लोग टैक्स चोरी करते हैं उनको पकड़ने के लिए सरकार का ये पूरा प्लान क्या है? ईवे बिल की खामियों का फायदा उठाकर जीएसटी की चोरी करने वाले कारोबारियों की अब खैर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सरकार एक नया एक्शन प्लान ला रही है जिसके तहत ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम होगा और इसके तहत जितने भी टैक्स चोर हैं उनके ऊपर नकेल कसी जा सकेगी। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक नया सरकार ओटीपी बेस्ड सिस्टम शुरू करने जा रही है जिससे कि कंसाइनमेंट की वेरिफिकेशन होगी और साथ के साथ ही एनएचएआई या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए जितने भी उनके टोल नाकों पर फास्ट टैग लगे हुए हैं उसको भी ईवे बिल के साथ जोड़ा जाएगा ताकि तमाम जितने भी देश भर में ईवे बिल के जरिए शिपमेंट की मूवमेंट होती है उसको ट्रैक किया जा सके। इन दोनों कदम के जरिए सरकार ये इंश्योर करना चाहती है कि कोई भी कंसाइनमेंट अगर कहीं से ईवे बिल जनरेट होकर निकलता है तो अपने गंतव्य तक पहुंचे, ऐसा ना हो कि बीच में कहीं माल दूसरी जगह चला जाए और उसके ऊपर जो जितना भी टैक्स है कारोबारी ने चुकाए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं देश भर में लगातार हो रही थी और वित्त मंत्रालय इसको लेकर चिंतित था और इसी के तहत इस पूरे सिस्टम नए एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जिसे जल्द लागू किया जाएगा। अच्छा, तो फिर बताइए ये ओटीपी वाला जो प्लान है आलोक, ये किस तरह काम करेगा? देखिए, इस पूरे ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें दो इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला ये कि ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम। जैसे ही कोई भी कारोबारी ईवे बिल को जनरेट करेगा, जिसके पास माल पहुंचना होगा उसके पास एक ओटीपी जनरेट होकर उसके मोबाइल तक पहुंचेगा। जैसे ही ये पूरी कंसाइनमेंट होगी यानी कि माल डिलीवरी हो जाएगी, वो कारोबारी उस ओटीपी नंबर को जो जो जिसने ईवे बिल जनरेट किया गया उसके साथ शेयर करेगा। उसके बाद ही ये पूरी कंसाइनमेंट या कह सकते हैं कि ईवे बिल का प्रोसेस पूरा होगा और उसके बाद ही मेन जो मुख्य कारोबारी है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल सकेगा। तो इस तरह से सरकार एक पूरा ट्रैक रखना चाहती है ताकि कोई भी कंसाइनमेंट अपने गंतव्य तक पहुंचे और उसकी पूरी तरह से डिलीवरी भी हो और उस पर जो चुकाया जाने वाला जीएसटी है वो कोई चुरा ना सके। दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है एनएचए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोल नाकों पर जितने भी फास्ट टैग के जरिए गाड़ियों की एंट्री होती है उन फास्ट टैग मैकेनिज्म को ईवे बिल में जोड़ना। ईवे बिल में इसके साथ जोड़ते ही पूरे देश भर में जितनी भी गाड़ियां कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टर के जरिए शिपमेंट होती है उसके मूवमेंट पर सरकार नजर रखेगी और साथ ही साथ सिस्टम में इस बात को लेकर तत्काल ही रेड फ्लैग हो जाएगा कि कोई भी अगर गाड़ी या तो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती है या फिर उसका ओटीपी नहीं पहुंचता है तो उसके अगेंस्ट में रेड फ्लैग हो जाएगा और उस तक पहुंचना जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं उनके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो इस दोनों जो नए सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जा रही है सरकार उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जल्दी सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी ताकि इस तरह के जो टैक्स चोर हैं जो ईवी बिल के लूप होल्स का फायदा उठाकर चोरी कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से रोक लग सके। ठीक है, शुक्रिया।